6 बजे एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है। लियाकतपुर तहसील के अंदर ट्रेन का हादसा हुआ है जिसके अंदर 70 लोग शहीद हो गए हैं और उसमें 40 के करीब लोग ज़ख्मी हुए हैं। वाकई की इतला मिलते ही फौरी तौर पर पाकिस्तान आर्मी, हमारी रेस्क्यू सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस इमीडिएटली उन्होंने रिस्पांस किया है और वहाँ से तमाम लोगों को रेस्क्यू किया है। और उसके बाद पाकिस्तान रेलवे ने इस वाकये की इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है और तमाम पेशेंट्स को हमने शिफ्ट कर दिया है शेख जैद हॉस्पिटल यहाँ रहीमियार खान में, और कुछ को भावलपुर में, और कुछ को निस्तर हॉस्पिटल मुल्तान में किया है। तो जैसे ही मुझे इतला मिली है तो मैंने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में रबते में रहा और उनके तमाम मरीज़ों की जितनी भी उनकी हम मदद कर सके थे मैंने आर्डर पास किए और अल्हम्दुलिल्लाह सबको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया और यहाँ पहुँचा दिया और इनकी ट्रीटमेंट जारी है। और मैंने अपनी तमाम मसरूफियात ख़त्म करके मैं यहाँ रहीमियार खान पहुँचा हूँ और अभी तमाम पेशेंट से मैंने मुलाकात किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो यहाँ एडमिट है तकरीबन ठीक है। जी हाँ, तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पे जो इनकी ट्रीटमेंट है ये बिल्कुल ठीक चल रही है। तो बाकी यहाँ पे जो मुझे बताया गया कि यहाँ एक शेख जैद हॉस्पिटल के अंदर आपका बर्न यूनिट नहीं है तो उसका यहाँ पे मैं ऐलान करता हूँ। तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो शेख जैद हॉस्पिटल 2 है वो भी पंजाब के बजट में हमने अप्रूव कर दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी दोबारा हम काम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको हम कम्प्लीट करेंगे यहाँ। जी उनका फिर डीएनए होगा, उसके बाद डीएनए के बाद फिर उनके हैंड ओवर करेंगे। जी एसटीआई एक्ट जो है वो नफ़ज़ किया जा रहा है पंजाब में, आज भी क्या हड़ताल है और इसकी इतना सीरियस मामला हुआ है आज बताया जा रहा है परेशान है इसके बारे में मैडम आप मेरा ख्याल है जो नहीं 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 मेरा ख्याल है एसटीआई एक्ट की जगह इनकी बात कर लें। एसटीआई एक्ट तो 12 मिनट से पहले मौके पे पहुंचे और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का सामने हुआ है तो इसको आप लोगों से पूछे वहाँ पे जितना अच्छा रिस्पांस हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेलवे और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारे जो रेस्क्यू सर्विसेज ने किया है शायद उसकी मिसाल न मिलती हो। जी अब इसके ऊपर जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है अब ये तमाम चीज़ें वो तय करेगी कि किसकी गफलत है, कहाँ से क्या मसला हो गया। हॉस्पिटल है ये 3 सूबों के संगम पर वाक़े हैं तो यहाँ पे स्टाफ की कमी है, फंड्स की कमी है, अद्वियात की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, सिटी स्कैन मशीन खराब रहती है तो इस सिलसिले में ये इतना अहम स्टेशन है यहाँ पे तो हुकूमत मौजूदा या सबका इस पर क्यों तवज्जो नहीं दे। जी सबका हुकूमत की बात तो आप खुद कर सकते हैं मुझे नहीं पता, बट अब जो हमारी हुकूमत है इसी हुकूमत में हमने शेख जैद 2 का ऐलान भी किया है जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है। इंशाल्लाह शेख जैद 2 भी शुरू करेंगे, आपका बर्न यूनिट भी होगा और आपकी सीटी स्कैन भी आ जाएगी। भावलपुर के अंदर भी बन रहा है इंशाल्लाह, यहाँ पे तो मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ ना। बहुत शुक्रिया।